जनता का सवाल है, अर्णब गोस्वामी को उस जेल में क्यों लाया गया है जो अबू सलेम जैसे आतंकवादी हैं? क्या उसकी जान को खतरा है या जानबूझ के खतरे में डाला जा रहा है? अगर अर्णब गोस्वामी को कुछ भी खरोच आती है तो आम जनता का गुस्सा इस सरकार को झेलना पड़ेगा। उस जनता गुस्से में है, ये सरकार को भांपना चाहिए। उसको इस जेल में लाने का क्या औचित्य है, क्या पर्पज़ है, ये सरकार को जनता को बताना पड़ेगा। सच बोलने का ये इनाम मिला है उनको क्या, ये बताइए। गवर्नमेंट से पूछना चाहिए हम लोगों को, सर ये हम सच सच बोलेगा उसका यदि तोड़ा जाएगा क्या, उसको खरीद नहीं सकते तोड़ देंगे उसको उठा के। ये हम लोग भी यहाँ पे आए हैं अर्णव जी के समर्थन में कि ये जो देश का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों के, इस चीज़ों को जेल में डाल के उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो हम लोग एक अपना इंटरनल सपोर्ट के लिए अर्णव गोस्वामी के लिए हम लोग यहाँ पे हम सब लोग अपने मन से आए हैं। जो भी यहाँ गवर्नमेंट ये प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है उसको रोके, अविलंब महामहिम इसको संज्ञान में ले और तुरंत राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा के स्थिति को समन, अन्याय को रोकिए, न्याय के लिए लड़िए। अगर धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे ना तो ये ऐसा ही अधर्म बढ़ता जाएगा और अधर्मी सारे चरम हाहाकार मचा देंगे। इसलिए धर्म के धर्म के लिए लड़िए। सभी से कहना चाहूंगी, सारे मीडिया वालों से कहना चाहूंगी कि सामने आ जाइए। अन्याय गोसाला सोडा पाहिजे, फक्त अन्याय नको। जे अन्याय जो अन्याय जो चालले ते तो बंद करा आणि जे चांगले ते चालू ठेवा। अन्याय गोसाला वाईट काय केलेलं नाही, फक्त ते अन्याय सोडावे हेच आमचं म्हणणं आहे। जहां अर्णव गोस्वामी का पसीना गिरेगा पूरे भारतवर्ष का खून बहेगा, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे खतरा, आज एक सीधे साधे आदमी को फंसाया जा रहा है। आज एक इतना अच्छा आदमी अगर देश के लिए इतना मर मिटने को तैयार है तो सोचिए साधारण आदमी के साथ क्या होगा। कल सड़क पे चलना दुश्वार हो जाएगा। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। अर्णव गोस्वामी एकदम शहीद भगत सिंह के जैसे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और जल्दी से उनको रिहा करना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश में आगे चल के भ्रम पैदा हो जाए कि कहीं शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है और कहीं अर्णव गोस्वामी का जो हाल हुआ है आगे चल के कंगना रनौत के साथ भी यही हो, कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है कि एक मोल तालमोल तो नहीं किया जा रहा है कि कल जाके बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो जाएगा। हमको अर्णव और कंगना चाहिए। ये जो तलोजा पुलिस जो तलोजा जेल है यहाँ पर पूरे आतंकवादी है, पूरे यहाँ पर क्रिमिनल से क्रिमिनल जो यहाँ पर भरे है और कोई भी क्रिमिनल बिना राजनेताओं के संरक्षण में नहीं पलता। निश्चित रूप से कोई ना कोई अंदर से अंदर बैठा होगा जो पूरा दिशा निर्देश दिया होगा, साजिश रचा होगा कि अर्णव गोस्वामी को अंदर एक साजिश के तहत मरवा दिया जाए। और कल जैसे कि एक बात उठेगी कि भाई एक आपस में रंजिश में वहां पर एक अंदर हत्या हो गई है, ये भी बात आ सकती है।